हिंदी उर्दू की साझी विरासत से आज के इस मंच के महनीय रचनाकार को आमंत्रित कर रहा हूँ। हिंदी कविता के तरफ से एक सिपाही के तौर पर खड़ा हूँ मैं। सदन से गुजारिश करता हूँ, आगे से पीछे तक जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के मध्य संभल से पधारे मोहब्बतों के शायर अमीर इमाम का स्वागत कीजिए। कमजोर तालियां दोनों हाथ ऊपर उठाकर स्वागत कर लीजिए आदरणीय अमीर इमाम संभल मुरादाबाद की। शुक्रिया बीएचयू, शुक्रिया दोस्त मेरे छोटे भाई। एक मतलब और एक शेर देखें कि है एक ख्याल जिसे छोड़ भी नहीं सकते, है एक ख्याल जिसे छोड़ भी नहीं सकते और एक दिल के उसे तोड़ भी नहीं सकते, है एक ख्याल जिसे छोड़ भी नहीं सकते और एक दिल के उसे तोड़ भी नहीं सकते और है एक जमीन जो हमको छुपा नहीं सकती, है एक जमीन जो हमको छुपा नहीं सकती, एक आसमां है जिसे ओढ़ भी नहीं सकते, है एक जमीन जो हमको छुपा नहीं सकती, एक आसमां है जिसे ओढ़ भी नहीं सकते। और एक मतलब और एक शेर और देखें कि सितम यही है कि अब ये सितम नहीं होता, सितम यही है कि अब ये सितम नहीं होता, वो अक्स चांदनी रातों में जम नहीं होता, वो अक्स चांदनी रातों में जम नहीं होता और तुम्हारी याद तुम्हारी कसम नहीं आती है, तुम्हारी याद तुम्हारी कसम नहीं आती, तुम्हारा जिक्र तुम्हारी कसम नहीं होता है, तुम्हारी याद तुम्हारी कसम नहीं आती, तुम्हारा जिक्र तुम्हारी कसम नहीं होता। और एक मतलब और एक शेर और देखें कि रास्ता चलते हुए दो हम कदम गुस्से में हैं, रास्ता चलते हुए दो हम कदम गुस्से में हैं, हमसे दुनिया और इस दुनिया से हम गुस्से में हैं, रास्ता चलते हुए दो हम कदम गुस्से में हैं, हमसे दुनिया और इस दुनिया से हम गुस्से में हैं और मुस्कुरा बैठे हैं तुझको मुस्कुराता देखकर, मुस्कुरा बैठे हैं तुझको मुस्कुराता देखकर, वरना तेरी मुस्कुराहट की कसम गुस्से में है, मुस्कुरा बैठे हैं तुझको मुस्कुराता देखकर, वरना तेरी मुस्कुराहट की कसम गुस्से में है। और देखें एक दो शेर और के, वो ख्याल आया तो हर लम्हा दीवाना हो गया, वो ख्याल आया तो हर लम्हा दीवाना हो गया, मौसम तन्हाई फिर कितना सुहाना हो गया, वो ख्याल आया तो हर लम्हा दीवाना हो गया, मौसम तन्हाई फिर कितना सुहाना हो गया, और साफ आते हैं नजर दुनिया के सारे अक्स, साफ आते हैं नजर दुनिया के सारे अक्स, तुमसे बिछड़े हैं तो दिल आईना खाना हो गया, साफ आते हैं नजर दुनिया के सारे अक्स, तुमसे बिछड़े हैं तो दिल आईना खाना हो गया, और साथ रोजाना मेरे चलता है बाजू थाम कर, साथ रोजाना मेरे चलता है बाजू थाम कर, वो जिसे देखे हुए शायद जमाना हो गया, साथ रोजाना मेरे चलता है बाजू थाम कर, वो जिसे देखे हुए शायद जमाना हो गया, और वो शजर जो तुमने सींचा था फिर उसकी शाख पर, वो शजर जो तुमने सींचा था फिर उसकी शाख पर, एक परिंदा आके बैठा और रवाना हो गया,
नमः। वो शजर जो तुमने सींचा था फिर उसकी शाख पर एक परिंदा आके बैठा और रवाना हो गया। और दो तीन शेर और देख ले के तजुर्बों के लिए ये जात बहाना करके, तजुर्बों के लिए ये जात बहाना करके, मैं ही नादान रहा शहर को दाना करके। क्या कहने का। तजुर्बों के लिए ये जात बहाना करके, मैं ही नादान रहा शहर को दाना करके। और जाने कब आके दबे पांव गुजर जाती है। पंडित जी शेर देखिए, जाने कब आके दबे पांव गुजर जाती है, मेरी हर सांस मेरा जिस्म पुराना करके। जाने कब आके दबे पांव गुजर जाती है, मेरी हर सांस मेरा जिस्म पुराना करके। और बिजलियों अशकों की आओ कभी एक बार गिरो, बिजलियों अशकों की आओ कभी एक बार गिरो, मेरी सूखी हुई आंखों को निशाना करके। बिजलियों अशकों की आओ कभी एक बार गिरो, मेरी सूखी हुई आंखों को निशाना करके। और एक गजल के और दो चार शेर बस के। नहीं नहीं सुनाइए आप। सूरत पसंद जिसकी नादत पसंद है, वाह वाह वाह। सूरत पसंद जिसकी नादत पसंद है, हमको वो एक शख्स निहायत पसंद है। सूरत पसंद जिसकी नादत पसंद है, हमको वो एक शख्स निहायत पसंद है। और इबलीस तू पसंद नहीं है हमें मगर, इबलीस तू पसंद नहीं है हमें मगर, तेरी सवाल करने की जुर्रत पसंद है। क्या कहने क्या कहने। इबलीस तू पसंद नहीं है हमें मगर, तेरी सवाल करने की जुर्रत पसंद है। तेरी सवाल करने की जुर्रत पसंद है। और ये भी शेर देखिएगा कि घर मिल गया कटेगी बची उम्र किस तरह, घर मिल गया कटेगी बची उम्र किस तरह, उससे ज्यादा उसकी जरूरत पसंद है। घर मिल गया कटेगी बची उम्र किस तरह, उससे ज्यादा उसकी जरूरत पसंद है। उससे ज्यादा उसकी जरूरत पसंद है। और हर साल एक इश्क नया फुरकते नहीं, हर साल एक इश्क नया फुरकते नहीं, अब क्या करें कि हमको यही लत पसंद है। वाह वाह वाह। हर साल एक इश्क नया फुरकते नहीं, क्या कहने का, अब क्या करें कि हमको यही लत पसंद है। और है शायरी से शौक न कुछ फलसफे से काम, है शायरी से शौक न कुछ फलसफे से काम, उसको फकत अमीर इमामत पसंद है। है शायरी से शौक न कुछ फलसफे से काम, उसको फकत अमीर इमामत पसंद है। ऑलरेडी इतना चीख लेने के बाद मेरे ऊपर भी थोड़ा सा चीख लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सुनाइए भैया, वो सुनाइए, मत बताना कि बिखर जाए तो क्या होता है। सुनाइए सुनाइए, सुना दीजिए, मत बताना कि बिखर जाए तो क्या। दो गजल सुना दीजिए। सड़ी हुई दुनिया और वो, दो गजलें सुना दीजिए आप। है एक लाश की सूरत पड़ी हुई दुनिया, सुनिएगा। है एक लाश की सूरत पड़ी हुई दुनिया, सलीब वक्त के ऊपर जड़ी हुई दुनिया, सलीब वक्त के ऊपर जड़ी हुई दुनिया। और हम ऐसे लोग ही खुराक थे सदा इसकी, हम ऐसे लोग ही खुराक थे सदा इसकी, हमारे खून को पीकर बड़ी हुई दुनिया। हम ऐसे लोग ही खुराक थे सदा इसकी, हमारे खून को पीकर बड़ी हुई दुनिया। और हर एक शख्स है
पीछे पड़ा हुआ इसके, हर एक शख्स है पीछे पड़ा हुआ इसके, हर एक शख्स के पीछे पड़ी हुई, क्या कहने, हर एक शख्स है पीछे पड़ा हुआ इसके, हर एक शख्स के पीछे पड़ी हुई दुनिया, और तमाम उम्र भी दौड़ो न हाथ आएगी, तमाम उम्र भी दौड़ो न हाथ आएगी, अजीब शह है ये साकेत खड़ी हुई दुनिया, अजीब शह है ये साकेत खड़ी हुई दुनिया, और हसीन लड़कियां खुशबुए चांदनी रातें, हसीन लड़कियां खुशबुए चांदनी रातें, और इनके बाद भी ऐसी सड़ी है दुनिया, हसीन लड़कियां खुशबुए चांदनी रातें, और इनके बाद भी ऐसी सड़ी हुई दुनिया, अमीर इमाम ने कूड़े में फेंक दी कप की, अमीर इमाम ने कूड़े में फेंक दी कप की, जिसे तलब हो उठा ले पड़ी हुई, अमीर इमाम ने कूड़े में फेंक दी कप की, जिसे तलब हो उठा ले पड़ी हुई दुनिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।